राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ भारत का वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग। उद्घाटन सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर रखेंगे विचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जताई प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर चिंता। कहा, लोगों की प्रेरणा का स्रोत बने पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति का संरक्षण। चेन्नई राजभवन में आयोजित पोंगल समारोह में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए किया सम्मानित। निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुकेश सिंह और विनय शर्मा की क्यूरेटिव याचिका। राष्ट्रपति से क्षमा के लिए मुकेश सिंह ने तिहाड़ प्रशासन को सौंपी दया याचिका। 22 जनवरी को दी जानी है चारों गुनहगारों को फांसी। और पहाड़ी इलाकों में जानलेवा बनी भारी बर्फबारी। कश्मीर के माछिल सेक्टर में बीते 48 घंटे में 32 बार हुआ हिमस्खलन। बर्फ में दबने से 5 जवानों समेत 10 लोगों की मौत। पिछले 2 दिनों में -57 डिग्री रहा सियाचिन का न्यूनतम तापमान। और मुंबई में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला जारी। टीम इंडिया ने मेहमान टीम को दिया 256 रनों का लक्ष्य। शिखर धवन ने बनाए सर्वाधिक 74 रन। ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए अब तक 31 ओवर में बनाए 201 रन।